मौला अली इंटर कॉलेज विज्ञान कॉमर्स व कला वर्ग 12 तक मान्यता प्राप्त है। मौला अली इंटर कॉलेज लगातार प्रत्येक वर्ष 10th 12th में सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल दे रहा है। इंग्लिश मीडियम में प्ले वे से 10th तक कक्षाएं लग रही हैं। नर्सरी से 12th तक दाखिले शुरू हो चुके हैं। मौला अली इंटर कॉलेज मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत पर यकीन करता है। झूठे वादों और सस्ते नारों से दूर कम खर्च में अच्छी तालीम देने की कोशिश करता है मौला अली इंटर कॉलेज। फिरोजाबाद इंडस्ट्रियल में से कांच थर्मस के कारीगरों ने 4 साल से रुपए न बढ़ाने एवं मजदूरी में से भी 20 रुपए कम करने को लेकर 3 फैक्ट्रियों के कारीगरों ने हड़ताल की आरोप लगाया। हड़ताल में आनंद ग्लास, नेहा ग्लास, जगदम्बा ग्लास के कारीगर शामिल थे। हड़ताल पर चले गए हैं, उनका आरोप है कि लंबे समय से 2019 से वेतन नहीं बढ़ा है, उनके उनको मिलने वाली सुविधाओं में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है। करमवीर जी, क्या मामला है? ये थर्मस की हड़ताल चल रही है और इसमें सन 2019 को हड़ताल की थी हम लोगों ने, उसमें भी मैं भी था, ओम ग्लास की तरफ से था उस टाइम, जगदम्बा ग्लास से हूँ। और एक हमने हड़ताल की थी, कोर्ट में फैसला पहुंचा हुआ था, भाई यहाँ कोई भारी कॉपी लगी हुई है, हमारे 4-5 लोगों के पास भी फोटो स्टडी कॉपी है, उसमें प्रति साल 20 रुपये प्रति कारीगर के बढ़ाए जाने की मांग की गई थी और उस पर तैयार भी होते और उसके बाद हड़ताल खुल गई थी प्रति साल के लिए 20 रुपये प्रति। और 2019 के बाद 2020 में लॉकडाउन लग गया, उसमें पैसे नहीं बढ़े, उसके बाद दबाव बढ़ा लिया गया कुछ मालिकों की तरफ से, कुछ वैसी तरफ से, और काम की कमी थी। 20 रुपये रोज नहीं, प्रति साल, साल हर 1 मई को 20 रुपये प्रति कारीगर बढ़ जाते थे। अच्छा, और उसके लिए अब ये बढ़ाने से मना कर रहे हैं, 4 साल से पैसा बढ़ा नहीं है, तो उसके लिए हड़ताल की जा रही है और हड़ताल जब भी खुलेगी जब हमारे पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। और जिसमें एक टारगेट होता है ना, मतलब प्रोडक्शन का, उसमें 100% बनती है, उसमें एक्स्ट्रा पीस बनते हैं, उसमें प्रोडक्शन का पीस का पैसा मिलता है, वो भी हमारा कम कर दिया था, जिसमें 20 रुपये का घटोतरी की थी जब पूरे मतलब सर्दियों के टाइम में नवंबर से लेकर और ये मार्च तक 20 रुपये कम का लॉस करके घाटे में बढ़े हुए थे पैसे, जो हमारी सैलरी थी उसमें से 20 रुपये कटौती की गई है और अब हम लोगों ने काम किया है दबाव के प्रति, अब जो हमारा मौका मिला है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। मतलब पूरे फिरोजाबाद के सारे मजदूर हड़ताल पर, थर्मस के लिए, थर्मस के कारीगर हैं। छत्रपाल नाम है। छत्रपाल, क्यों आप आज एकत्रित होकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? ऐसा है, फैक्ट्री को हमने सूचना दी, फैक्ट्री ने हमारा कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हड़ताल करिए, पैसा नहीं बढ़ा कई साल से, 4 साल से नहीं बढ़ा, 2019 से, 2019 से नहीं बढ़ा, बीच में तो लॉकडाउन। क्या कहते हैं ओनर, क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा था हड़ताल हो गई है तो हमें सूचना दो, हम तुमको जवाब देंगे, हम अपनी सूचना देंगे जब अपन मीटिंग कर लें, मीटिंग करने के बाद सूचना दे देंगे। अच्छा, अगर पैसा नहीं बढ़ता है तो फिर क्या होगा? हड़ताल रहेगी फिर तो। सिंह नाम है। हाँ सिंह साहब, क्या कह रहे हैं बताइए? ये कह रहे हैं सर, हर ठेकेदार को 2-2 महीने पैसा नहीं, वेतन नहीं देते हमारा। क्यों नहीं देते वेतन? कहते पैसा मिला ही नहीं है। तो आपने फैक्ट्री मालिक से शिकायत नहीं की? फैक्ट्री मालिक शिकायत का फैक्ट्री सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। क्या कह देते हैं? कहते पैसा मिला ही नहीं है। ठेकेदार से बात करो, क्या चाहते हो? हमें चाहते पैसा बढ़ के मिलना चाहिए, बस कौन सी फैक्ट्रीज है आप लोग? टाइम का कोई टाइम टेबल नहीं है। क्या काम करते हो? बॉल बनाता हूँ थर्मस में। सुभान अली जी, क्या मामला है, क्यों हड़ताल कर दी? हड़ताल क्यों करी सर? ये हमारे पैसे कम हो गए। अच्छा, 3 साल से पैसे बढ़े तो है नहीं, 20 रुपये कम और करते हैं, इसीलिए हमने हड़ताल करी। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि हमारे जो 3 साल से वेतन नहीं बढ़ा है वो पूरा हो जाए और जो वहाँ इनाम कम हो गई है वो पूरी हो जाए। अगर नहीं बढ़ता फिर तो हम हड़ताल जारी रखेंगे।
लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टेक्ट नंबर है 7 OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, CB मार्केट के पीछे, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।